महीनों की कोशिश के बाद में बहुत सारे आप जॉब पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हो, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लगाते हो, कभी अपने फ्रेंड से कॉल करवाते हो, तो उसके बाद जाके आपको कहीं एक इंटरव्यू का कॉल आता है और आपको उसके बाद परेशानी शुरू हो जाती है। आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपका वहां होगा कि नहीं होगा, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। और जब भी हम इंटरव्यू में जाते हो, सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट जैसन, और जो मैनेजर होता है वो 3 मिनट के अंदर डिसाइड कर लेता है उसने इम्प्लॉय को रखना कि नहीं रखना, और सब कुछ बेस होता है इसी क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि वो जानना चाहता है आपके बारे में। तो आज मैं आपको 3 ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला जिसको जानने के बाद में आप इंटरव्यू में कभी फेल नहीं होगे और आपके इंटरव्यू क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। और जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एग्जैक्टली टेल मी अबाउट योरसेल्फ का मतलब ये नहीं कि वो आपके बारे में जानना चाहता है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपने बचपन में क्या किया है, आपके कुत्ते का नाम क्या है, आप कुत्ते से कितना प्यार करते हो, इसको कोई लेना नहीं। वो एक प्रोफेशनल आदमी है और उसको जितनी भी नॉलेज चाहिए वो प्रोफेशनल रिलेटेड नॉलेज चाहिए। तो आपको जितनी भी नॉलेज देनी है ना टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, आपको एज ए प्रोफेशनल नॉलेज देनी है। तो अपनी लाइफ की स्टोरी बिल्कुल मत सुनाइएगा, आप उसको वो सुनाइएगा जो वो सुनना चाहता है। और वो ये जानना चाहता है अगर वो आपको हायर करता है अपनी कंपनी के लिए तो आप उस कंपनी को क्या बेनिफिट देने वाले हो, आप ऐसी क्या प्रोडक्टिविटी दोगे जिससे कंपनी को बेनिफिट होगा, तो आप अपनी सर्विसेज से ऐसी कौन सी वैल्यूज दोगे जिससे आगे जाके कंपनी को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, जब भी आप इंटरव्यू दो ऑलवेज कॉन्फिडेंट, आंखों में आंखें डाल के बॉडी लैंग्वेज आपकी बिल्कुल कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। जब भी आप आमने सामने बैठ के बात कर, आपको बताना है कि आपने इससे पहले जिस कंपनी में काम करते थे या आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस है उसमें आपने क्या अचीवमेंट करी है, क्या ऐसा स्पेशल करा है जिससे पुरानी कंपनीज को बेनिफिट हुआ है, या आपने क्लाइंट्स को अपने कैंडी बेनिफिट दिया है। आपको अपनी कन्वर्सेशन में ये हमेशा बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से बताना है कि आपने इससे पहले जिस कंपनी में जो जो प्रोजेक्ट किए हैं उस प्रोजेक्ट से कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ है, आपने एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट्स ऐड किए हैं, ऐसी क्या वैल्यूज ऐड करी थी पुरानी कंपनी में जिससे उस कंपनी को बेनिफिट हुआ है। अगर ये आपको हायर करता है तो इसको उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, या आपका जो बिहेवियर है या आपके काम करने का या आपकी वर्किंग स्टाइल है वो कितना बेस्ट है जो इस कंपनी को बेनिफिट देगी। इन बिटवीन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो व्हाई यू वांट दिस जॉब, और अगर आपने आंसर दे दिया कि मेरे को तो यहाँ पर सैलरी ज्यादा मिल रही है या मेरे घर के पास में है या मुझे आना बहुत आसान है, तो इस तरीके के सारे आंसर हमेशा नेगेटिव होते हैं। ऑलवेज बी लाइक अ प्रोफेशनल और हमेशा प्रोफेशनल लोगों की तरह ट्रीट करिए। ओके, आपको 3 S पे काम करना है, सक्सेस, स्ट्रेंथ और सिचुएशन। व्हाट इज सक्सेस, आपको ये बताना है कि इससे पहले आप जिस कंपनी में काम करते थे आपने क्या क्या सक्सेस की है, क्या क्या अचीवमेंट करें। आपको ये बताना है कि आपने कितने कितने टिपिकल क्लाइंट्स को हैंडल किए हैं, इससे पुरानी वाली कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ है, आपकी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। इसके बाद दूसरा था स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एग्जैक्टली, आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मैं एक अच्छा टीम लीडर हूं, मैं एक अच्छा टीम वर्कर हूं, मैं बहुत अच्छा लर्नर हूं, मैंने अपडेट करता रहता हूं, मैं अपनी चीजों को अपडेट करता रहता हूं, मैं जिस फील्ड में हूं उस फील्ड में अपडेट करता रहता हूं, आने वाली जो जो चीजें अपडेट्स होंगी उसको मैं अपडेट्स को करूंगा, या पिछली कंपनी में मैं इस लेवल पे था और मैंने अपनी इन चीजों को अपडेट करने के बाद में मैं इस लेवल के ऊपर पहुंचा हूं। तो थर्ड पॉइंट है सिचुएशन, सिचुएशन में आप क्या बताओगे। आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, आप किस तरीके की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो एक अच्छी टीम को ज्वाइन करने की, एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करने की। अगर मैं आप किस तरीके की कंपनी को ज्वाइन करता हूं तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मैं एक अच्छी टीम के साथ काम करूंगा, मैं एक अच्छी कंपनी के साथ काम करूंगा जिससे मेरी ग्रोथ बढ़ेगी। इस तरीके से यू हैव टू प्रिपेयर स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है क्या मैं इसकी स्क्रिप्टिंग करूं। डेफिनेटली आपको स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए, आपको पता है, पहले से पता है कि इंटरव्यू में किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको उस क्वेश्चन की प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए और उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए एटलीस्ट 3 से 4 दिन। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग में हर एक बात होती है, आप किसी भी बात को भूलोगे नहीं, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में बात नहीं आती। फिर इंटरव्यू खत्म होता है तो आप कहते हो ओह शिट, ये तो मैं कहना ही भूल गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, आप पहले प्रॉपर एक स्क्रिप्ट बनाइएगा, उस स्क्रिप्ट को प्रॉपर रीड करिएगा कि आपको किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, और आंसर हमेशा बेस्ट होना चाहिए। तो बिना स्क्रिप्टिंग में दुनिया में कोई भी काम नहीं कर रहा है। एक एक्टर को भी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, एक नेता को भी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। और आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, बहुत सारी चीजें जो अपने बारे में आप भूल सकते हो लेकिन आप पहले से अपने स्क्रिप्टिंग की हुई है और आपने उसको पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, फिर जाके प्रेजेंटेशन दोगे, इट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन, एक इंटरव्यू प्रेजेंटेशन है। अगर आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे दी तो आपको इंटरव्यू क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो फाइनली दिस इज द वे टू क्लियर योर इंटरव्यू। तो डेफिनेटली आप अगर वीडियो दो तो आपका इंटरव्यू आने वाला है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।